चलो लाओ त्यार तमे आवजो शिल्पा जमवाओ। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज ध्रुवी की शादी की डेट फिक्स होने वाली है, तो सब मेहमान आने वाले हैं और आप देख सकते हो सब रेडी हो रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ देखिए ध्रुवी भी रेडी हो रही है, तबा भी आ गया है। ध्रुवी देखिए रेडी हो रही है, अभी रेडी होने वाली है। और वहाँ पर देखो अभी मेहमान आए नहीं है। मिहिर देखिए, मिहिर भी रेडी हो गया है। मिहिर वहाँ पे तू रसोई दिखा के आ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाय गाइस, चालू हो गए सब सुबह सुबह का नाश्ता करने के लिए। सब लोग अभी चाय नाश्ता कर रहे हैं, वघारेली खिचड़ी रोटली और रोटला चाय। और ध्रुवी तो अब सबकी सेवा कर रही है, अभी सबको दे रही है। और मैं यहाँ पर रोटी गरम करके दे रही हूँ सबको। देखिए रोटी जल गई वीडियो में, वीडियो में। यहाँ पे सब सब्जी काट रही है, खाना बनाना है अभी। डाबर। अभी मैं रोटी बना रही हूँ, देखिए गाइस। गुड मॉर्निंग, पापा पूजा कर रहे हैं। अभी इधर तो कुछ कुछ मेहमान आ चुके हैं, ये तो सारा के आप जानते होंगे। और इधर रसोई हो रही है, सब रसोई बना रहे, इतने सारे लोग। अब मम्मी इधर खड़ी है। अभी दादा के फ्रेंड आ गए हैं। महाराज भी आ गए हैं, शादी का मुहूर्त इन्हीं से निकालने वाले हैं। अभी गेस्ट आए नहीं है, अभी मेहमान के लिए चाय बन रही है। और यहाँ देखिए क्या कर रहा है, पानी पीने आया। बोलो हिमांशु क्या कर रहा है, कंफ्यूज हो गया। अभी सब चाय पी रहे हैं। डाबर ज्यादा पीना, चाय पी भी अच्छा। नहीं मेरे को नहीं पीना है। यहाँ भी सब चाय पी रहे हैं। यहाँ पर भात बन रहे हैं और दाल उबल चुकी है और यहाँ पर आटा रेडी हो रहा है। क्या दिखा रहे हो, तो मोहन थाल भी मिठाई आ गई है। देखिए मेहमानों के खाने के लिए। और ये दिखाना है इसलिए मीर खा रहा है। कैसा है मीर, अच्छा है? नहीं मुझे नहीं खाना है। देखिए यहाँ पूरी का आटा रेडी हो रहा है। तो यहाँ तो मीर सबके साथ बातें कर रहा है। देख सकते हो ये बकरा दाल बन गई है। तो सब्जी बनी है, सब्जी सब्जी बन गया, सब्जी भी बन गई। हाँ टेस्टी लग रही है, देखने से कलरफुल बना है, कलरफुल। हमारा विक्रम लूट बन रहा है, हमारा विक्रम लूट हुआ है। अभी राइस के पानी में तमालपत्र लविंग और ऑयल ऐड किया है। अभी पानी उबल गया है तो अभी इसमें भात ऐड कर रहे हैं। देखिए
अभी ध्रुवी के ननंद आ गए हैं, मेहमान के लिए चाय बन गई है, यहाँ पे सब बैठे। पूरी बनवाई का मशीन है? नहीं होगा, नहीं होगा तो वेलन पाटली दे देना, रिटर्न आके लेती हूँ। मेहमान अभी आ गए है, सबके घर से देखो वेलन पाटली उघरा लिए, और अभी चक्की के घर आई हूँ, शिल्पा के घर। चलो लाओ त्यार, तमे आवजो शिल्पा जमवाओ। हाँ, ध्रुवी के ससुराल से गेस्ट आ गए हैं। सब मेहमान आ गए हैं और उनके लिए बैठने की व्यवस्था की है। सो गाइस इधर तो अभी दीदी का मुहूर्त देख रहे हैं, शादी कब है, और जो सब मेहमान बैठे हैं, इधर महाराज बैठे हैं। अभी महाराज ध्रुवी का मुहूर्त निकाल रहे हैं, मैरिज डेट फिक्स हो रही है। आप लोग घर में क्यों बैठे हो, बाहर नहीं जाना क्या? बोलो कुछ बोलो, शर्म आती है। मैरिज डेट फिक्स हो गई और महाराज सबको तिलक कर रहे हैं। ध्रुवी के पापा भी गुड़ खिला रहे हैं सबको। शिल्पा मैं तो तुझे खिलाऊंगी। हरे हरे छोटा, जय सदी माँ। हाँ भैया आरती भी रह गई, थोड़ा थोड़ा अच्छा।
आज खाओ पड़ा खाई जा। तो अभी सब बैठे देखिए। ओए डबी को बड़ा खिला। लग्न तारीख ना मम्मी पप्पा बर्थडे शिल्पा गाड़ी ना आरती आने पी यूज करे आप लोग अभी ध्रुवी का ध्रुवी और सब बैठे हैं देखिए शिल्पा ध्रुवी और फैमिली मेंबर्स और वहाँ पर खाना शुरू हो गया है सब खाना खाने गए। ता रोटला करवा जानु ये देखिए मिठाई लेके खड़े सिल्वर का पर्डे हाँ फिर वीडियो उतारो ये वेला का है कुछ देर में बगल भी जाते अभी सब खाने खाने बैठे अभी जेंट्स स्टाफ ने तो खाना खा लिया अभी एक पंगत और चल रही है और वहाँ पर लेडीज स्टाफ सब बाकी है तो उन्हें भी खाना खाने उठाएंगे अभी। क्या कर रहे हो ये वाटा क्या गण रहे हो अभी सब खाना खाने बैठे हैं और यहाँ पे सब पिरस रहे मनु ज्यादा खाना देखिए सब लोग अभी बैठे हैं। शिल्पा खाना और अभी ये दूसरे घर में भी बैठे हैं यहाँ पे वहां जगह नहीं तो यहाँ पे बिठा दिए सबको हाँ खाना ज्यादा खाना अभी काका सब खाना खा के अभी बाहर आ गए हैं सब अभी दौड़ धाम कर रहे हैं खाना चल रहा है तीन घर में अभी पंगत पड़ी है एक वो वाला घर एक ये घर और ये सभी जगह पर अभी खाना चल रहा है अभी हम भी खाना खाने बैठ गए तो चलिए अभी खाना खा लेते सार्थक तो अभी खुद का खाना खुद निकाल रहा है देखिए सब खाना यहाँ पड़ा है और यहाँ देखिए सब खाना खाने बैठ गए अभी खाना खत्म हो गया बाद में हमें आई वीडियो उतार अरविंद हाँ हमारे पास में रहते हैं ये सास में तना तोड़ दिया गाइस अभी तो हमने खाना खा लिया और हम सबको पिरस रहे खाना मीर भी हेल्प करा रहा है आज दीदी की शादी की डेट फिक्स हो गई है 11/2 हाँ 11/2 अभी मीर के पापा और सब बैठ रहे जीजा जी ये सब खाना खाना बाकी है तो लास्ट में ये लोग बैठ रहे हैं चाल चाल
हाय गाइस, हाय गाइस, अब चालू हो गया है। लास्ट पंगत में आपका वारा आया है। अब हमारा करीब करीब नंबर आ गया है। और सेल्स सर्विस है, देखो खुद ही ले लो। कितने बजे? डेढ़ बजे। छह से सात पंगत पड़ी। अभी मीर सबको पूरियां बांट रहा है, उसके पापा को पूरी दे रहा है। हमारा मीर अब बड़ा हो गया है। मीर पूरी ले लो ऐसा बोल, पूरी ले लो, गर्मा गर्म पूरी। डोल में बैठा है ये देखो गाइस, पूरी डोल लेके दाल की बैठ गई। दाल या सब्जी? सब्जी सब्जी, मिक्स सब्जी, कुंदिया टाइप। ये मर्ची तो हमको भाग में भी नहीं आई हमारे। आप अकेले अकेले खा रहे हो? सिर्फ गैस के लिए। अभी सब मेहमान खेत में आ रहे हैं तो हम सब खेत में जा रहे हैं। साथ में दूध ले लिया है चाय बनाने के लिए। हम और काकी सब जा रहे हैं। सब गाड़ी में आ रहे हैं, हम पैदल जा रहे हैं। देखिए सभी तो हम लोग थुमे में आए हैं और मम्मी पीछे आ रही है। और हम इधर गिरे थे, मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ किधर गिरे थे। पहले इधर जाके आते हैं इनके घर। मेहमानों के लिए इधर भी सब खाटले डाल दिए हैं। मम्मी इधर आई है, गोवा काका इधर बैठे हैं और सरता, चलो हम उधर चलते हैं। चलो उधर चलते हैं। सो गाइस, मम्मी हम उधर जा रहे हैं जिधर हम गिरे थे। हम इधर गिरे थे, आगे आपको दिखाते हैं। उधर एक पता नहीं क्या कौन था, वो हमें ठोक के चला गया, बाइक ठोक के चला गया हमको। तो हम उधर जा रहे हैं अभी। हम इधर गिर गए थे गाइस। हाँ, वो जगह दिखाते आपको। इधर हम गिरे थे, इधर नहीं मतलब उस झाड़ के नीचे। और ये तो अपना गुब्बारा फूला रहा है। इधर पूरा चढ़ने में दम निकल जाता है, थक लगता है। सो गाइस, वो बाइक वाले ने तो हमें उधर ठोका था और वो बाइक वाला उधर जाके गिरा था, पीछे से फुल स्पीड में आ रहा था। हम इधर मुड़ने गए और उसकी बाइक टकराई और उधर जाके गिरी पूरी। हमारी बाइक तो इधर ही गिर गई थी। वो बाइक वाला पता नहीं कौन था, हम तो बाल बाल बच गए। इस मिट्टी में गिरे थे हम, उस साइड रोड है, इतनी दूर ही रोड था। अगर हम रोड पे गिरते तो पता नहीं क्या हो जाता। इधर रामापीर जी का मंदिर है, इसलिए हम बच गए थे। जय रामापीर। उस वक्त आपने देखा ही होगा, हम आए थे इधर, कुछ था तब। और सार्थक तब आगे आगे जा रहे हैं। देखो ये दोनों तो भाग रहे हैं। ये है भूत मामा का मंदिर, छोटा सा इधर है। ये बड़े बहुत बड़ा पेड़ है, ये 100 साल पुराना पेड़ होगा। ये दोनों तो आगे जा रहे हैं, मैं शांति से जा रहे हैं आगे। और इधर बकरी भी है, एक बकरी। क्या कर रही हो तुम? इधर छोटी बकरी भी है, देखो उधर खड़ी है। क्या है जेनू, क्या है? बकरी है, छोटा बच्चा है। और इधर मुर्गियाँ बहुत सारी है, आपको इधर मुर्गी बहुत देखने मिलेगी। क्या दिखाता हूँ? नमस्कार मीर जी, नमस्कार, नमस्कार मीर जी, नमस्कार। और ये कुत्ते के बच्चे। मीर जी क्या करते हो? क्या क्या करते हो तुम? हम व्लॉगिंग कर रहे हैं अभी। कहाँ की? इधर की, थुमे की। आ जाओगे मेरे यूट्यूब चैनल पे? क्या है, इन्होंने हमारे चैनल आज ही सब्सक्राइब किए, हमारे नए सब्सक्राइबर है। नए सब्सक्राइबर है क्या? मैं बोलता हूँ तुम कहाँ जाके आए? हम उधर देखने गए थे, वो मेरे एक वायरल के बाद में। हाँ, मंदिर। हाँ, मेरे जो वायरल वीडियो में पेड़ पर चढ़े थे ना, हाँ, सिंगे उतारने, वो भाई है। ओहो गाइस, हम लोग आ गए खेत में। और ये देखो मीर और सब बैठे हैं, मुर्गियाँ घूम रही है, अब देख सकते हो। और अभी मेहमान आए नहीं है। और ये देखो यहाँ पे सारी व्यवस्था हो गई है। देखिए मुर्गियाँ ही मुर्गियाँ। लो भैया नाखो लाओ, हम दाने खिला रहे हैं। चलो थोड़ी थोड़ी देखो, बहन बोला हाथ में खाएगा।
हाथ में खाए नहीं खाए नहीं खाए नहीं खाएगा फिर बिजली लगा ले हाँ देखिए ये सब मुर्गियों को दाना खिला रहे हैं थोड़ी थोड़ी ना खाओ बाय थोड़ी 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 जैनम ये सब पहले इस भाई की मुर्गी है देसी मुर्गी है अंडा 20 रुपए के और ये मुर्गा है ये का 700-800 लगता है 700-800 का मुर्गा का 700-800 ना मुर्गी हो तो 500-600 बहुत भाव है बहुत बढ़िया तो कमा जाते होगे और उसका जो था बढ़िया होगा ना इसका हाँ इसका बढ़िया उसका 2000 लगेगा ओ बापरे 2000-2500 लगेगा ज्यादा से ज्यादा लगेगा उसका होगा ना तो 500 लगेगा तो उसका 500 भी लगा वो होगी ना 700-800 लगेगी मुर्गी की इसका 700-800 वाले वो काबरे वाली नहीं काबरे वाले तो किसी को लेनी हो तो आ जाना इनके पास और यहाँ तो देखिए तो कुत्ते के बच्चे भी है छोटे छोटे ध्रुवी आई नहीं है नहीं तो अभी इसको रमाड़ने लगती है अभी मेहमान आने ही वाले हैं तो चलिए अभी वेट करते हैं उनकी अभी गेस्ट आ गए सब मेहमान आ गए खेत में सब गेस्ट अभी बैठे हैं तो गाइस वही हमारे खेत वाले पुरानी जगह पे हम आ गए हैं देखिए ये हमारा हौज है और देखिए आप देख सकते हो ये नींबू जहाँ से हमने नींबू लिए थे और ये गुलाब हमारे गांव में गुलाब ज्यादा होते हैं देखिए बहुत सारे फूल खिले हैं यहाँ पर और मैं गुलाब किसे दूंगी दो प्यारी प्यारी बच्चियों को मैं गुलाब दूंगी लो एक तुम्हारा और एक आपका चलिए अभी आगे बढ़ते हैं तो गाइस अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं चलिए और हमने जो आपको बताया था ना कि वो जामफल और सीताफल सब पक गए कि नहीं तो आपको दिखाते और ये देखो घर के खेत सारे खाली हो गए जो हमने पहले दिखाए थे तो चलिए आगे बढ़ते हैं पहले मंदिर में दर्शन कर लेते हैं तो हमारे ये छोटे से मंदिर में हम आ गए देखिए दर्शन करने के लिए तो चलिए दर्शन कर लेते हैं और ये आप देख सकते हो बांस का पेड़ मंडप और ये सब बनता है वो बांस का पेड़ है ये और ये बच्ची छोटी छोटी तो हमारे पास ही है हम इसे घुमाने लाए हैं खेत में तो चलिए अभी वो सीताफल और ये सब देखते हैं फ्रूट देखो हमारा सब जंगल जैसा एरिया है खेती बाड़ी का और ये देखिए जामफल के छोड़ है मुझे तो दिखाई वो रहा ऊपर है जामफल देखिए बहुत ऊपर है आएगा नहीं हाथ में लगता है देखिए छोटे छोटे है अभी बड़े नहीं हुए हैं बड़े सब खा जाते बड़े होने से पहले वो रहे देखो दूसरे लेकिन बहुत ऊपर है क्या खाएगी देखिए गाइस वहां से लेके यहाँ तक ये सब जामफल के पेड़ है जामफल ही जामफल है बहुत सारे लेकिन अभी तो छोटे छोटे है ऊपर बड़े है हम पहुंच ही नहीं पा रहे क्या करें ये देखिए और ये देखिए आप देख सकते हो फिर से कल या परसों आएंगे शायद बड़े हो जाएंगे तो खाएंगे देखिए दाड़म के पेड़ फूल खिले हैं लेकिन दाड़म कहीं दिखाई नहीं दे रहा है और ये देखो सब्जी के टिंडोड़े छोटे छोटे यहाँ सब्जी भी मिल जाती है फ्री में इसके भी गांव हो ना तो वैकेशन में सब एंजॉय करने गांव ही जाइए गोवा या माउंट आबू मत जाइए और गाइस आप लोग देख सकते हो ये चीकुड़ी का पेड़ है चीकू है और बहुत सारे चीकू देखिए एकदम नीचे नीचे से चीकू लगे हुए है बहुत सारे है देखिए और कितने नीचे है ये आप देख सकते हो सब
कोई खाता नहीं, और सिटी में होता तो कोई रहने भी नहीं देता है। देखिए वहां तक सब चीकू के पेड़ है। अभी सब गेस्ट घर पे जा रहे हैं और हम भी चलते हैं अभी गांव में, सब गेस्ट को छोड़ने आए हैं। चलिए अभी हम लोग अपने घर जा रहे हैं खेत में से, और देखो पीछे सब आ रहे हैं। अभी तो आज सिर्फ शादी की डेट फिक्स हुई है, और आप देख सकते हो कि हमारे घर में कितने गेस्ट थे, कितनी पंगतें पड़ी खाने में। तो शादी में क्या होगा, अभी से हम लोग तो थकने लगे हैं, लेकिन हार मत मानना, अभी हमारी सब शॉपिंग शुरू होने वाली है। हमारा फुल व्लॉग एंजॉय करना, रोज जो भी हमारे सब्सक्राइबर है वो रोज हमारे व्लॉग देखना और हमें सपोर्ट करना। गाइस 10 मिनट हुई है यहाँ तक आते आते, और ये देखिए आपको हमने मॉर्निंग में दिखाया था ना, हम और भाभी आए थे कल के व्लॉग में, जो कल आया था वो व्लॉग में दिखाया था, उस जगह पर हम लोग पहुंचे हैं, ये देखिए। और अभी 5 मिनट का रास्ता है हमारे घर जाने का, वो सामने हमारा घर दिख रहा है, थोड़ी दूर है, गोल घूम के जाना पड़ेगा। और ये खेत देखिए सब घास है, नहीं जिनल क्या है, आज तू पहली बार बोली हा? मिहिर और वो तो चल के चले गए, आज गाड़ी भी नहीं लाए, मेहमानों की गाड़ी में लोग आए थे तो हमें चल के ही जाना पड़ रहा है। चलती गाड़ी है नहीं मिजिनल। देखो हम लोग तो अभी घर आ गए, और ये लोग तो क्रिकेट खेल रहे हैं, और ध्रुवी ने तो कपड़े भी चेंज कर लिए, जैन मियाँ खेल रहा है, और ध्रुवी देखिए। फाइनली मैरिज डेट तो फिक्स हो गई, और ध्रुवी अभी मेहसाना जा रही है, हम सबको छोड़कर जा रही है वो, क्योंकि कल से मेरी कॉलेज स्टार्ट हो गई है इसलिए, और हमें अकेला छोड़ दिया है। हम गांव में 5 से 6 दिन अकेले रहेंगे, वो मेहसाना अकेले 5 से 6 दिन रहने का है। अच्छा तो हम उन्हें छोड़ने जाते हैं, चलिए। तो अभी ध्रुवी और सब तो घर जा रहे है रिक्शा में, टाटा ध्रुवी, बाय बाय बाय। और जैनम कहाँ गया, इसको तो मम्मी रखने का है। डाबर तू भी जा रहा है क्या साथ में, मिहिर तो मिहिर ध्रुवी को बाय बोल दो, वो आ रहे हैं। पता मम्मा तुम्हें घर नहीं जाना है क्या, तो रिक्शा तो पूरी सामान से पैक हो गई है। ये पता मामा आ गए, मामा ध्रुवी सब छोड़ के चले जा रहे हैं, मुझे ध्रुवी के बिना अच्छा नहीं लगेगा अब। जैनू जैनम टाटा, जैनम टाटा, इतनी चिंता है देखो दीदी को भैया की, बोरो प्लस लगाने को बोल रहा है, वो एक्सीडेंट हुआ था ये देखो, अभी भी कितना घाव है। चलो टाटा सब लोग सब चले गए हमें छोड़कर। और चलो हम लोग अभी घर में काम करते हैं। डबा तू मुझे छोड़ के मत जाना, चलो काम कर देते, चलो तो फिर हम काम पे लग जाते। और घर में तो ऐसा पड़ा है ना सब रमन पमन, देखो सब ठिकाने करना है, चलिए तो काम कर लेंगे।
तो गाइज आज के ब्लॉग में इतना ही। आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।